बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 7th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4A लेक्चर नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 529। डियर स्टूडेंट, 529 जो है हमारे पास पहला ही ऐसा क्वेश्चन है कि जो 23 पर जाकर डिवाइड होगा। हम 529 को मुख्तलिफ नंबर्स पर डिवाइड करते चले जाएंगे, लेकिन ये 23 से पहले किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। तो जब ये हम 23 पर 529 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23, फिर 23 को 23 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। यूँ हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, 23 एंड 23। लिहाजा हमने स्क्वायर रूट 529 इज इक्वल टू लिखा स्क्वायर रूट में 23 मल्टीपल बाय 23। इसे हम लिख सकते हैं 23 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये दो दफ़ा लिखा है तो इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। जब ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 29। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, 1764, बल्कि ये फोर्थ पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे। गौर करें तो जब हम 1764 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 पे क्यों करेंगे कि जो लास्ट वाला डिजिट है ये 4 है। अगर लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो जब हम 2 पे इसे डिवाइड करेंगे, 2 8 16, यहाँ से 1 बचा, 2 8 16 और 2 2 4, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 8 और 2 1 2। अब ये आ गया 4 4 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 9। जब हम सब नंबर को ऐड करें तो हमारे पास ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो वो फिर नंबर 3 पर डिवाइड होगा। लिहाजा हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 1 3, यहाँ पर 1 बचा, 3 4 12, तो यहाँ पर 2 बचा, 3 7 21। अब ये फिर जो है वो 3 पे डिवाइड होगा, 1 + 4 + 7, तो ये आ गया 12, क्योंकि 12 भी 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, लिहाजा ये टोटल नंबर भी 3 के टेबल पर डिवाइड होगा। तो 3 4 12, 3 9 27। फिर ये 49 जो है 7 के टेबल पर डिवाइड होता है, 7 7 49 और 7 1 7। यूँ हमारे पास फैक्टर्स बन गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। इन्हें आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। यूँ आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब ये सारे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यूज बन गए 2 × 3 × 7, जिसे आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, 8464। इसके भी हम फैक्टर्स पर गौर करते हैं तो आखिर में चूंकि 4 है इसलिए ये 2 के टेबल पर डिवाइड होगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, फिर आखिर में 2 है, फिर ये 2 के टेबल पर डिवाइड होगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 और 2 6 12। अब ये आखिर में 6 है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 1 2। अब ये 1 छोटा है लिहाजा हम इसको 1 को भी लेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 2 5 10 और 2 8 16। अब ये 2 के टेबल पे फिर डिवाइड हो गया तो ये आपके पास आ गया 529। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट में भी काट चुके हैं, 529 जो है वो 23 से पहले किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होता, लिहाजा हम इसे 23 पर डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 को 23 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यूँ हमारे पास फैक्टर्स बन गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 23 × 23। तो इसे लिखा जा सकता है पेयर को 2 का स्क्वायर, इस पेयर को भी 2 का स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है 23 का स्क्वायर। यूँ ये स्क्वायर इन स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 23, और ये हमारे पास आ गया आंसर 92।